घर में कुछ सामान नहीं होता, हमको स्वीट डिश बनाना होता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आपको कुछ डिश बनाना है तो कंडेंस मिल्क जरूर बनाकर रखिए। कंडेंस मिल्क अगर आपके पास है तो आप फटाफट से कई सारे डिश बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले सीखते हैं कि कंडेंस मिल्क कैसे बनाना है। तो बिना दूध का हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे और उसे हम दूध से हम कई सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो मिल्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैं बनाऊंगी, और यहाँ पर मैं करीब 150 ग्राम यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 100 ग्राम शक्कर, पीसी हुई शक्कर हमको यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये देखिए पीसी हुई शक्कर है, और यहाँ पर मैं एक चम्मच एक कॉर्नफ्लावर का जो मतलब पाउडर मिलता है फ्रेंड्स, ये मार्केट में इजली मिल जाता है, इसे हम डालेंगे यहाँ पर एक चम्मच। तो एक चम्मच के करीब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, एक चम्मच छोटा चम्मच जो नाश्ता वाला होता है वो वाला चम्मच से। और उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम दूध डाल देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालना है, तो दूध हमें बैटर जैसे आसानी से बन जाए उतना हमको डालना है। तो यहाँ पर मैं एक कप के करीब यहाँ पर दूध डाल रही हूँ, तो बैटर हमारा अच्छे से बन जाना चाहिए, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है जिससे कि शक्कर दूध और जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसे हम अच्छे से थोड़ा देर फेंट लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर जो हमारा रेडी हो गया है, तो ये देखिए मेरा बैटर जब रेडी हो जाएगा तब हम इसे पकने के लिए गैस पर रखेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बैटर इस टाइप से बनना चाहिए आपका, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे। तो बैटर तो रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम आगे का स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैं गैस को चालू कर लेती हूँ। तो ये देखिए गैस चालू हो गया है, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम इस बैटर को थोड़ी देर पकाएँगे, और चम्मच से हमको ऐसे हिलाते रहना है, नहीं तो बैटर जो है नीचे बैठने लग जाता है, जलने लग जाता है, उससे कि कंडेंस मिल्क का जो टेस्ट है जला जला सा लगता है। तो इसे आप मिलाते रहिए धीरे धीरे, और उसके बाद आप इसको जब हमारा बैटर अच्छे से पक जाएगा थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे, कम से कम 3-4 मिनट आपको लगेगा यहाँ पर बनाने के लिए। और इसे ऐसे मिक्स करते रहिए, चम्मच चलाते रहिए, इसका जो कच्चापन है दूध पाउडर का और शक्कर जो है वो अच्छे से मिल जाए, इसलिए हमें इसे थोड़ी देर पकाना है। और एकदम गाढ़ा क्रीमी टाइप से इसका जो टेक्सचर है वो हो जाना चाहिए। तो इसे अब हम चेक करेंगे। तो देखिए ऐसे जब चम्मच से आप गिरा कर नीचे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कंडेंस मिल्क जैसे अभी आया नहीं है गाढ़ापन इसका। तो थोड़ी देर इसे आपको पकाना है ऐसे ही, और थोड़ा सा जब आने लग जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने से और भी गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसे हम अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके, आप ऐसे जब करेंगे तो एकदम कंडेंस मिल्क जैसे इसका जो बैटर है वो हो जाएगा। और इसके बाद आप जिसमें भी आपको स्टोर करके रखना है, कोई डिब्बा वगैरह आप स्टोर करके रख लीजिए, और जल्दी से सही कुछ भी स्वीट डिश में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका स्वीट डिश भी मैं आपको यूज़ कर बताऊँगी और अगले वीडियो में। देखा 3 से 4 मिनट में हमारा कंडेंस मिल्क एकदम तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप एक जरूर बनाइएगा, और उसके बाद इसकी क्या मिठाई बनती है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो वो भी आप देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे खत्म कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।